हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मिस्टर राज की ये कम्युनिटी आई कि डिवोर्स होगा और सचिन जेल में सड़ेगा या फिर जो भी इन्होंने लिखा, अब बस सचिन राज। तो ये कम्युनिटी ना ये एडिट की गई है, पहले सचिन राज नीचे नहीं लिखा हुआ था, बाद में उन्होंने ये क्लियर किया कि ये मेरी थॉट है। यानी कि सचिन खुद चाहते हैं, मिस्टर राज खुद चाहते हैं कि उनका डिवोर्स हो। अब ऐसा इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो भी कुछ चल रहा है वो सबको पता है, जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो मनीषा ने इस पर अपना जो डिसीज़न लिया है वो मनीषा ने कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया कि आज मेरे माँ बाप सब रो रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो जो मेरे साथ ऐसा किया है और जो जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में शामिल है, अब उसको नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया, अब जिसको जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना बहुत भारी पड़ेगा, अपने माँ बाप के आंसुओं का बदला जरूर लेंगे। मनीषा, अभी मेरे मायके वाले आ रहे हैं, इट मीन्स कि मनीषा के मायके वाले आ रहे हैं और मनीषा शायद से अपने घर वापस जाने वाली है। देखो ये सब हुआ क्यों, मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ, क्योंकि जितना कुछ चल रहा था मनीषा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीषा को ये डिसीजन लेना पड़ा। तो जो भी सारी चीज़ें चली और जो परसों रात में लाइव का खेल हुआ और उसमें जिस भी तरीके की डेंजरस चीज़ें हुई, जिस लेवल पे जाके मिस्टर राज अपने आप को हार्म पहुंचाने की बात कर रहे थे, उसके बाद वो घर वापस आए और घर वापस आने के बाद उन्होंने ये ज़रूर बोला कि हाँ, मतलब मुझे जहाँ तक एज अ व्यूअर्स हम लोगों को उनके चेहरे पे कोई सिकन, कोई भी पछतावा, कोई भी तकलीफ नहीं दिखी। तो उन्होंने ये बताया कि मुझे डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर मुझे साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने यही मुझे सजेस्ट किया कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो शायद हो सकता है कि सचिन की मानसिक स्थिति अभी इस समय नहीं ऐसी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें खुद कुछ पता नहीं है। लेकिन यह मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि ये हमें एज अ व्यूअर्स लग रहा है, एज अ डॉक्टर भी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया होगा, लेकिन एक हस्बैंड को उसकी वाइफ और उसकी माँ, एक बेटे को उसकी माँ और एक हस्बैंड को उसकी वाइफ, इनसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता है। तो एज अ वाइफ जिस तरीके से मनीषा सचिन को समझ सकती है ना, कोई और नहीं समझ सकता। तो मनीषा सचिन की आंखों में पछतावा, सचिन की आंखों में गलती का एहसास, सचिन की आंखों में दोबारा ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें देखना चाह रही होगी। और जो सारी चीज़ें कि देखने नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभी भी मिस्टर राज, आप अमित किटो की वीडियो अगर देखिए तो उसमें वो यही बोल रहे थे कि मैं एक एक आंसुओं का बदला लूंगा, अभी दिल की बात बाहर आएगी, मैं जब बदनाम हुआ ही हूं तो मैं सारा कुछ कहूँ। क्या जरूरत है भाई, इतना सब कुछ करने के बाद आपको तो ये चाहिए कि आप कुछ भी करके अपना परिवार बसाओ, और अपना परिवार मनीषा से है, मनीषा के साथ अपना परिवार बसाओ, मनीषा से सरेआम माफी मांगो, मनीषा के जो भी चीजें हुई पब्लिक को आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरे जैसे व्यूअर्स होंगे ना तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट इसमें है कि आप मनीषा से माफ़ी मांगो, आप मनीषा को जिस भी तरीके से आप मनीषा को कन्विंस कर सकते हो कि आप फ्यूचर में ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, आपसे ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियां नहीं होंगी, आप मनीषा को कन्विंस करो और आप मनीषा के साथ खुश रहो, हम बस यही चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद यही नहीं चाहते ना, तो मनीषा भी एक इंसान है, वो कब तक इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी और कब तक वो, कहते हैं कि एक लड़की होती है ना ससुराल में, सारे दर्द सारी तकलीफ झेल लेती है लेकिन पति का दिया हुआ तकलीफ नहीं झेल पाती है। और मनीषा भी एक लड़की ही है, मनीषा ने तो अभी खैर बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर ली, बहुत कुछ चीज़ों को छुपा लिया, बहुत कुछ चीज़ों पे वो चुप रह गई। कल जैसे आप आए थे उसके बाद मनीषा ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, दूसरी वाइफ होती तो वो जाने क्या क्या रिएक्ट करती, और यही शायद मनीषा की गलती है, चीज़ों को बर्दाश्त करके रह जाना, तो उसके अंदर कितनी घुटन होगी, कितनी चीज़ें होंगी। हम सब, मुझे, मैं पर्सनली मनीषा को ये बोलना चाहूँगी कि मनीषा तुम्हारा जो भी डिसीज़न होगा ना वो सोच समझ के लेना, कि अभी इमोशंस में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना उनमें बह के कोई भी डिसीज़न नहीं लेना। एज अ हस्बैंड सचिन की क्या पर्सनैलिटी है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है मनीषा, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि सचिन फ्यूचर में कितना बदलेंगे कितना नहीं बदलेंगे, एज अ हस्बैंड वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये क्योंकि देखो प्यार एक दिन में ख़त्म भी नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें तुमको पता है मनीषा, कि प्यार एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। जो हस्बैंड वाइफ का तुम दोनों का प्यार था वो भी एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। तो आप अच्छे से अपनी लाइफ के डिसीजन समझ सकती हो और उस डिसीजन पे किसकी लाइफ पे कितना असर पड़ेगा इसको भी समझ सकती हो। हाँ, अगर तुमने साथ रहने का फैसला लिया तो उसका असर भी तुम्हारी लाइफ पे कितना पड़ेगा, कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा, कितना नेगेटिव असर पड़ेगा। मैं मनीषा को यहाँ पे भड़का नहीं रही हूँ, मैं मनीषा को सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि मनीषा बहुत अच्छे से, सबसे अच्छे से मनीषा जानती है कि मनीषा कहाँ खुश है और मनीषा के किस फैसले में मनीषा की खुशी है। साथ सचिन के साथ रहने में ही मनीषा की खुशी थी, इसीलिए मनीषा इतने दिनों तक चुप थी और सचिन के साथ रह रही थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी सचिन के साथ है। तो अभी जो फैसले मनीषा लेने की सोच रही है ना, वो शायद से इमोशन में आके ले रही है। और अगर मनीषा ने बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला लिया है कि नहीं, मुझे नहीं रहना साथ में, मुझे अब सेपरेट होना है, माँ बाप के साथ जाना है, तो उस फैसले का भी पूरे दिल से सम्मान है। सिर्फ और सिर्फ खुशी मनीषा की होनी चाहिए, क्योंकि गलत सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ हुआ है। गलतियाँ सबने की हैं, मनीषा की गलती सिर्फ उन गलतियों पे पर्दा डालना और उस गलती को बर्दाश्त करना था। इसके अलावा मनीषा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो और अब मुझे सबसे ज़्यादा ना दया आती है मनीषा पे और आंटी जी पे। आंटी जी इतनी मतलब स्वीट हैं, इतना वो अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं, लेकिन इन दिनों में मुरझाया हुआ सा चेहरा, रुआंसी आंखें और बात बात पे वो नर्वस हो जाती हैं, तो आंटी जी को देख के भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब मतलब यार कभी कभी समझ में नहीं आता है ना कि इंसान ये ऐसी सिचुएशंस पे जब हम खुद कुछ बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं आता है बोले क्या, किसी को सलाह दे भी तो क्या सलाह दें, अलग हो जाओ, ये सलाह भी बिल्कुल बेमानी है, नहीं दे सकते हम, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। और अगर ये सलाह दें कि आप साथ रहो तो ये भी बेमानी है, क्योंकि फिर वो इंसान अगर हमारी सलाह मान के और पूरी ज़िंदगी परेशान रहे तो ये भी गलत है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हम कह सकते हैं कि ये डिसीज़न मनीषा का होना चाहिए कि मनीषा को क्या करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि मनीषा को पूरा पूरा राइट बनता है, मनीषा ही इन सारी चीज़ों में पिसी है, मनीषा को पूरा पूरा राइट बनता है कि मनीषा क्या करना चाहती है, साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती, क्योंकि मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में एक लाइन लिखी थी, जिसको जिसके साथ रहना है। इट मीन्स कि मनीषा को ये लगता है कि अभी भी सचिन को कहीं और ही रहना है, ठीक है। तो ये मनीषा का डिसीज़न और मनीषा के हर डिसीज़न की कदर है। मनीषा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो भी अपनी लाइफ में डिसीज़न लिया है या जो भी डिसीज़न लेना है, बस सोच समझ के लेना, अपने माँ बाप, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सोच समझ के लेना, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का है नहीं। आप खुश हो, आपके माँ बाप आपकी वजह से खुश हैं, यही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। किसी को दुखी करके कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता है, ये एक कड़वी सच्चाई है। और इस फैसले में ना थोड़ा सा आंटी जी के, यानी कि अपनी सासू माँ के बारे में भी सोच लेना, क्योंकि वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और वो इस समय पे सबसे ज़्यादा परेशान सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए हैं, क्योंकि एज अ मदर वो समझ पा रही हैं कि अभी मनीषा के दिल और दिमाग पे क्या चीज़ें गुजर रही हैं। एज अ मदर वो बहुत अच्छे से जान सकती हैं कि